हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या 10वीं और 12वीं जमात के तलबा की प्रमोशन ख़तरे में पड़ गई? स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब बोर्ड के तहत पंजाब के तमाम शहरों में 12वीं जमात का रिज़ल्ट आज अनाउंस किया जाना था, जिसको कुछ अरसा के लिए मुलतवी कर दिया गया है, जिसके बाद 10वीं और 12वीं जमात के स्टूडेंट के ऐसे सवाल सामने आ रहे थे, क्या हुकूमत के ऐलान करदा पॉलिसी पर अब अमल नहीं किया जाएगा? क्या फेल होने वाले तलबा को ग्रेस मार्क्स यानी रायती पास नहीं किया जाएगा? इन खबरों में कितनी सच्चाई है, आपको तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे। प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वज़राए तालीम के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें ये ऐलान किया गया था कि 10वीं और 12वीं जमात के तमाम तलबा को पास कर दिया जाएगा और फेल होने वाले तलबा को रियायती नंबर देकर पास किया जाएगा, यानी कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा। लेकिन चूँकि ये सिर्फ एक बयान था, वफाकी वज़ीर तालीम ने इस हवाले से कोई रिटर्न नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था, लिहाजा अब कैबिनेट यानी काबीना से मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर तालीम इसका रिटर्न नोटिफिकेशन जारी करेंगे और जारी करदा नोटिफिकेशन मुतलका बोर्ड चेयरमैन कमेटी को भेजा जाएगा, जिसके बाद ही प्रमोशन पॉलिसी पर अमल दरामद हो सकेगा। तो स्टूडेंट्स, परेशान होने की बात नहीं है, रिटर्न नोटिफिकेशन के बाद प्रमोशन पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा।